जम्मू कश्मीर को 35,581 और लद्दाख के लिए 5,958 करोड़ आवंटित। सीमा पर और तेज होगी विकास कार्य। जम्मू कश्मीर के लिए केंद्रीय बजट में 35,581 करोड़ और लद्दाख के लिए 5,958 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इसमें सीमावर्ती इलाकों का और तेजी से विकास होगा। सड़क और अन्य प्रोजेक्ट तैयार होने से सेना की सामरिक शक्ति भी बढ़ेगी। गुलमर्ग में हिमखलन में दो विदेशी नागरिकों की मौत, 19 को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया, बचाव दल मौके पर। सरस उत्सव में 25 राज्यों के कलाकार लेंगे भाग, जम्मू में पहली बार सरस मेला 4 फरवरी से होगा शुरू। बता दें कि इस मेले में देश भर के 25 राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे जो अपने यहाँ की कला संस्कृति व उत्सव प्रदर्शित करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्र बजट किया पेश, टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव, टीवी मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक वाहन होंगे सस्ते। अतिक्रमण विरोधी अभियान के खिलाफ जम्मू के बिठंडी के लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी, एक दिन के लिए दुकानें सभी बंद। जम्मू नगर निगम की पूर्व डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा ने आज निगम के अधिकारियों के साथ मिलकर वार्ड नंबर 1-2 का दौरा किया और वहां चल रहे सैनिटेशन ड्राइव का जायजा लिया। बजट पर कई नेताओं ने दी प्रतिक्रिया, कुछ ने कहा अच्छा तो कुछ ने जताया विरोध। महबूबा मुफ्ती ने बजट पर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि बजट लोगों के अनुकूल नहीं है और बीजेपी को इससे फायदा होगा। महबूबा ने कहा कि ये बजट वही है जो पिछले 8-9 सालों से आ रहा है। टैक्स बढ़ाए गए, कल्याणकारी योजनाएं और सब्सिडी पर पैसा खर्च नहीं किया जा रहा। विपक्ष का आरोप, फूड पॉइजनिंग से हो रही मौतें, केरल सरकार की नाकामी। विपक्ष ने बुधवार को केरल विधानसभा में राज्य में फूड पॉइजनिंग की घटना की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए दावा किया है कि हाल ही में घटनाओं में संकेत मिला है कि एलटीएफ सरकार खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू करने के लिए पूरी तरह से विफल रही। रक्षा बजट में इस साल फिर हुआ इजाफा, केंद्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को देश का बजट पेश किया। इसमें रक्षा क्षेत्र के लिए होने वाले खर्च का भी ब्यौरा दिया गया। बजट दस्तावेजों के मुताबिक इस साल रक्षा बजट करीब 6 लाख करोड़ रुपए तय किया गया है जो कि 2022-23 के 5.25 लाख करोड़ रुपए के बजट से 12.95% ज्यादा है।